हेलो फ्रेंड्स, सो हमारा आज का टॉपिक है कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे व्हाट आर एंजाइम्स। सबसे पहले एंजाइम्स क्या होती है और उसमें एकोएंजाइम क्या होता है, होलोएंजाइम क्या होता है और उसमें कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है, वो चीज हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एंजाइम। एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट that increase the rate of chemical reaction without itself change. It means आपने अगर सुना होगा catalyst के बारे में, catalyst is a substance which convert substrate into product. In case of chemistry में अगर आपने सुना होगा कि catalyst जो substrate को product में convert करता है, तो वही catalyst जब living organism के inside present होता है, now that is called biocatalyst. That increase the rate of chemical reactions means that increase the formation of product from substrate. ये चीज आपने याद रखनी है। Without itself change, it means they can't lose or conformation, structure या shape. ये बिल्कुल as it is रहता है, मतलब कि constant रहता है, functionally active, बिल्कुल active रहता है। जब ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, उसके बावजूद भी वो एंजाइम दोबारा कैपेबल होगी दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे कहते हैं एंजाइम्स। एक्चुअल में जो एंजाइम्स होती है, ट्रू एंजाइम जिसे हम होलो एंजाइम बोलते हैं, वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। दैट इज, फर्स्ट इज प्रोटीनेशियस पार्ट एंड सेकेंड इज नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। जब ये प्रोटीनेशियस पार्ट और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म अ होलो एंजाइम व्हिच इज अ ट्रू एंजाइम। ओके, और जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उसका, उसको हम एपो एंजाइम भी बोलते हैं, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है इसको बोलते हैं हम कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स में फर्दर जो है बहुत सारे सब टाइप्स है, जैसे कि कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप और मेटल आयंस। जब ये कोफैक्टर्स एपोएंजाइम के साथ कंबाइन होते हैं, तब जाके एक ट्रू एंजाइम बनती है। सबसे पहले आया कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है दे आर लूजली बाइंड विद द एंजाइम्स। ये चीज आपने याद रखनी है, लूजली बाइंड होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई स्पेसिफिसिटी हाई होती है, और बाकी लूजली बाइंड होता है। और सेकंड थिंग की जो को एंजाइम है, ये इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स आते हैं ज्यादातर, जैसे आपका विटामिंस, विटामिंस में मोस्टली बी कॉम्प्लेक्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, फिर कुछ विटामिन सी और विटामिन के भी आते हैं, ये सब को एंजाइम में आते हैं। फिर है प्रोस्टेटिक ग्रुप विच आर टाइटली बाइंड विद द एंजाइम्स, बिल्कुल टाइटली होते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रू फ्रेंड्स। अगर ये एपोएंजाइम के साथ बाइंड हो जाए तो टाइटली बाइंड होते हैं जब तक रिएक्शन अकर ना हो, है ना। थर्ड है मेटल आयंस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेटल आयंस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा फेरस, क्यूप्रिक, जिंक, मैग्नीज। जब भी एक एपोएंजाइम के साथ बाइंड होते हैं, तब जाके एक ट्रू एंजाइम बनती है जो कि फंक्शन को कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि कौन कौन से कोएंजाइम है और वो कैसे जो है किस फैक्टर के साथ बाइंड होके कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर विटामिंस एंड देयर कोएंजाइमिक फॉर्म। व्हेन दीज कोएंजाइमिक फॉर्म बाइंड विद एपोएंजाइम, देन दे फॉर्म कंप्लीट होलोएंजाइम व्हिच इज कैपेबल टू अकर दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस एंड ग्रुप ट्रांसफर। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये विटामिंस की फॉर्म है या कोफैक्टर्स है। जब ये एपोएंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे तो एक होलोएंजाइम बनाता है जो कि ये सब रिएक्शन करने के लिए कैपेबल रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थायामीन, एक विटामिन V1 है का केमिकल नेम है, जिसकी कोएंजाइमिक फॉर्म है थायामीन पाइरोफॉस्फेट। जब ये बाइंड हो जाएगा एपोएंजाइम के साथ तो एक होलोएंजाइम बनाएगा जो कि डीकार्बोक्सिलेशन एंड एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए इजीली कैपेबल रहेगा। उस तरह से राइबोफ्लेविन B2, FAB और FAMN,
एक्सचेंजिंग डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड रिडॉक्स रिएक्शन कराता है। नियासिन जिसको निकोटिनामिक एसिड भी बोलते हैं, B3 निकोटिनामिक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामिक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन कराता है जब एक कोएंजाइम बनाएगा। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम एसाइल ग्रुप ट्रांसफर, पाइरोडॉक्सिन B6 पाइरोडॉक्सिन फॉस्फेट एमिनो ग्रुप ट्रांसफर, ऐसे बायोटिन B7 बायोसाइटिन कार्बोक्सिलेशन इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। फिर है फॉलिक एसिड B9 टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड वन कार्बन ग्रुप ट्रांसफर, सियानोकोबालामिन B12 कोबालामिन हाइड्रोजन एंड एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर। सो दीज आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव विच आर वाटर सॉल्युबल जो कि वाटर में सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। अब कुछ वाटर इनसॉल्युबल्स जैसे विटामिन के आपने सुना होगा मेनाक्विनोन, ये क्या करता है कि इसकी कोएंजाइम फॉर्म भी मेनाक्विनोन ही है और कार्बोनिल ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में कैपेबल रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इसकी भी सेम कोएंजाइमिक फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में हेल्पफुल रहता है। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कुछ मेटल आयंस। सो फ्रेंड्स दीज आर मेटल आयंस विच इज ए पार्ट ऑफ कोफैक्टर्स। व्हेन दीज मेटल आयंस बाइंड विद द एपो एंजाइम्स देन दे फॉर्म कंप्लीट होलो एंजाइम विच इज अ ट्रू एंजाइम विच इज कैपेबल टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस इजीली। इन सिंपल लैंग्वेज कि एक मेटल आयंस है, मतलब बहुत सारे मेटल आयंस है, जब ये मेटल आयंस एपो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे तो एक कंप्लीट होलो एंजाइम बनाएंगे जो कि होलो एंजाइम रिएक्शन को फास्ट कराता है। सो डिफरेंट मेटल आयंस एंड एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स कंटेनिंग दीज मेटल आयंस। सो फर्स्ट इज फेरस एंड फेरिक आयंस, इनके जो एग्जांपल्स हैं जिनके पास ये पाए जाते हैं दीज आर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैटालेज पेरोक्सीडेज। वैसे आपका क्यूप्रिक आयंस है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज लाइसिन ऑक्सीडेज जिंक कंटेनिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कार्बोक्सीपेप्टिडेज, मैग्नीशियम कंटेनिंग हेक्सोकाइनेज एनोलेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, मैग्नीज कंटेनिंग आर्जिनेज एनोलेज पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, निकेल कंटेनिंग यूरिएज पोटाशियम कंटेनिंग पाइरुवेट काइनेज मोलिब्डेनम कंटेनिंग डाइनाइट्रोजिनेज जंथाइन ऑक्सीडेज। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स एंड होलो एंजाइम्स एपो एंजाइम्स। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये सफिक्स में एज क्यों लगता है लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इसके बारे में आप जानना चाहते हो और इफ यू वांट्स टू नो एंजाइम कमीशन नंबर एंड व्हाट आर एंजाइम्स प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स इन डिटेल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ एंजाइम एंजाइम टाइप्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स लाइक इनहिबिटर्स एंड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स अनकॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स अगर आप इन सब के बारे में मतलब जानना चाहते हो डिटेल में तो मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल पे। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में भी डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा तो आप उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपका कोई एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कॉन्टेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।